नाम है प्रेम मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रेम मिश्रा फिटनेस। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं कोई इंटरव्यू सीरीज नहीं बनाने वाला हूं, बट स्टिल मेरी नज़र में ऐसे लोग जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, उन लोगों को आपके सामने लेके जरूर आऊँगा। तो दोस्तों इसी के अंदर मैं आपको आज मिलाने वाला हूँ मिस्टर इंडिया संदीप मोहत जी से। दोस्तों ये आप मिस्टर इंडिया वर्ड से मत इन्फ्लुएंस होना कि देर आर मेनी मिस्टर इंडिया, ये वो शख्स हैं जो मिस्टर इंडिया बनाते भी हैं। तो मिलते हैं संदीप मोहन जी से। संदीप मोहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मिश्रा भाई। हाय। मैं लगभग आपको 10-12 सालों से जानता हूँ जब आप वर्कआउट करते हैं तो, लेकिन आपका जिम से रिलेशन कितने सालों से है? प्रेम भाई मेरा जो जिम से रिलेशन है कम से कम 10-11 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। 10-11 साल से मैं आपको एज अ ट्रेनर जानता हूँ, उससे पहले कितने साल से? उसको हम नहीं गिनेंगे, जिसमें फेलियर होते रहे उसको नहीं गिनेंगे ना। जब से आपने सीढ़ी चढ़न चालू की तो हम उसे शायद वहाँ से काउंट करेंगे। हाँ यार, यहाँ से पर्सनली मैं आपको लगभग 2005 से जानता हूँ। जी हाँ बिल्कुल। मुझे एक चीज़ बताइए कि अब अभी तक आपने कितने कॉम्पिटिशन खेले हैं इंडिया में? गिनती नहीं है, काफ़ी। फिर भी ऑन एन एवरेज एक हमारे व्यूअर्स को एक नंबर ही बता दीजिए। 25-30 तो होंगे जो नेशनल लेवल के हैं, नेशनल इंटरनेशनल और ये डोमेस्टिक YMCA ये वो पता नहीं, मतलब ऑन एन एवरेज 70-80 मान लें सब मिला। मेरी एज से ज़्यादा मेरे पास मेडल सेट ही उठे। मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो उस कॉम्पिटिशन की तैयारी के वक्त आपका क्या शेड्यूल रहता है, डाइट का, ट्रेनिंग का, जरा एक बार बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए। प्रेम भाई मेन तो है अपना ट्रेनिंग। Okay. वेट ट्रेनिंग सही मेथड में हो आपकी वेट ट्रेनिंग, और सही कोच के गाइडेंस में हो। कई लोग, मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो एक्सरसाइज शायद 6-6 घंटे करते हैं मगर वो वेस्ट है। आपकी बॉडी की नीड क्या है, आपको चाहिए क्या, किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए। हम एक लाठी सबको नहीं हाँक सकते, हर किसी के बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, तो उस हिसाब से आपकी एक्सरसाइज प्लान चालू होता है। वैसे ही आपका न्यूट्रिशन प्लान भी, आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं कि गूगल पे बैठ जाते हैं, जे कटल का प्लान, रॉनी कॉलमैन का प्लान, तो उस प्लान को पढ़ने से कोई जेकलर तो बन नहीं जाएगा। ठीक है, आप नॉर्मल पर्सन है तो उसको फॉलो करो, अपने न्यूट्रिशन से मिलो, अपने कोच से मिलो, उससे कंसल्ट करो, और मैं तो कहूँगा हर वीक कंसल्ट करो भाई, तब जाके सक्सेस मिलेगी। आप सोचो कि भाई एक पर्चा मेरे हाथ में आ गया और मैं इसको पढ़ के भाई अच्छा बॉडी बिल्डर बन जाऊँगा, नहीं हो सकता ऐसा, बिल्कुल नहीं। तो अगर हम जानना चाहेंगे कि आपने अभी तक ऑलमोस्ट कितने लड़के तैयार किए? यही काफ़ी है कि हर 2 महीने में एक चैंप निकलता है। गोल्ड मेडल कितने लेके आए अभी आप? गोल्ड तो काफ़ी लेके आए, काफ़ी काफ़ी। फेलियरों की हमारे पास तैयारी होती ही नहीं। हाँ, उन्हें मैं मार मार के कराता हूँ। सीधा मेरी कंडीशन यही होती है कि भैया मुझे झेल सकते हो, मेरी ट्रेनिंग को झेल सकते हो तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो जा सकते हो। मैं 2010 के आसपास की बात करूँगा। मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज ये रहा था कि दिल्ली NCR के जो बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं वो रात के 9 बजे आके आपके पास हाजिरी लगाते थे और आपके हाथ में इतना बड़ा डंडा रहता था, मैंने वो देखा हुआ ऐसे ही। तो वो एक बड़ा एक आश्चर्य था मेरे लिए। उस टाइम के जितने भी लड़के तैयारी कर रहे थे मैंने सुना है कि सब गोल्ड लेके आए थे, सच्चाई है? हाँ सच्चाई, और ये अभी तक ये सिलसिला चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वहीं स्टॉप हो गया 10 मई, नहीं अभी तक चल रहा है। अभी तो काफ़ी मेरे जो स्टूडेंट हैं अपना टीवी शोज़ में भी आ रहे हैं, जैसे स्पीड्स वेला हो गया आपका, काफ़ी शोज़ में, टीवीज़ में, सीरियल में काफ़ी में आ रहे हैं। अभी या फिलहाल आप खुद अभी दुबई गए थे? हाँ, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए गया था। कैसा रहा वहाँ पे आप? बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा ट्रिप भी था मेरा वो। इंटरनेशनल कई सारे बॉडी बिल्डर से भी आप मिले? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, जैसे जैफ सीड हो गया, काफ़ी प्लेयर्स आए थे, काफ़ी मॉडल्स आए थे, मतलब खुद को मिलके भी अच्छा लग रहा था, एक खुद में करंट आ रहा था कि हाँ यार कुछ तो, नहीं तो तालाब का मेंटक तालाब में रह जाएगा। आप छोटी सी दुनिया में घूमते रहोगे कुछ नहीं होता, अपने से बेटर लोगों से मिलोगे तो और थोड़ा सा जोश आता है। ओके, अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, आज के डेट में एक ना बड़ा चलन सा चल गया है एब्स को लेके, जिसको देखो नो बड़ी केयर्स कि आपके बाइसेप्स कितने हैं, कोई स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा है, सबको आज के डेट में एब्स चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि यंगस्टर को एब्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर लेग्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? मैं तो पूरी कंप्लीट बॉडी के लिए ही बोलूँगा, मगर कैसे लेग्स कोई करता नहीं। मेरा मानना यह है कि आपकी अगर नीवी अगर मजबूत नहीं होगी तो आप एब्स से अपना स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो नीव जो है आपकी जो पिलर है अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई रोक नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से। तो लोग कहते हैं कि विदाउट अ स्टेरॉइड यू कैन नॉट अचीव एब्स, क्या ये सच बात है? गलत बात है, आप बना सकते हैं, नेचुरल भी बना सकते हैं, मगर क्या जैसे अगर डिपेंड करता है किस लेवल के लिए जाना है आपको, अगर इंटरनेशनल नेशनल या नहीं, लड़के जो गोवा में जाके फोटोशूट कराना चाहते हैं नॉर्मल करें, अपना डाइट पे थोड़ा सा ध्यान रखें, आ जाते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है।
रिप्ड बॉडी जिसे चाहिए उनको पूरा हाँ। यहाँ पे इंडिया का मैप नहीं चाहिए, उनको नॉर्मली रिप्ड बॉडी चाहिए। वो इजी है, बस यही है कि आप बेटर बेटर से बेटर अपना ट्रेनर देखें। कई बार मेरे साथ ये भी देखा है मैंने कि कई मेरे पास कॉल्स आती हैं कि भाई सर हमें आपके पास आना है, मगर अभी मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ और अभी अपने घर के पास ही मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं 2 महीने बाद आऊँगा। कभी आपने सोचा है कि हमें वो अपने छोटे से बच्चों को पढ़ाना होता है तो दिल्ली के या नोएडा के या जयपुर के जगह जगह के पूरे स्कूल छान मारते हैं और जो टॉप का स्कूल होता है उसे हम वहाँ भेजते हैं। वहाँ क्यों नहीं सोचते कि नहीं अभी 2 महीने इसे आंगनवाड़ी में पढ़ा लेते हैं फिर किसी अच्छे से स्कूल में भेजेंगे, वहाँ क्यों नहीं सोचते, अपनी बारे में क्यों सोचते हैं इसे? तो ये जो पहला ही जो डिसीजन जो लेते हैं ना ये बच्चे, ये सबसे गलत डिसीजन है मेरा मानना ये। मतलब उनको इनिशियली ही अगर हाँ एकदम तन मन धन अपना सौंप दो अच्छे ट्रेनर के हाथ में ना, आप सर्च करो पहले, सबसे पहले ये मैंने ये नहीं कहता कि मैं ही अच्छा ट्रेनर हूँ, हो सकता है मुझसे भी अच्छे ट्रेनर हूँ ना, तो सर्च करें कि भैया कौन है जो मुझे अच्छे से ट्रेन करेगा, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है भी या नहीं है, सिर्फ बातें ही बातें कर रहा है ना, तो सर्च करके फिर अपना अपना करें तो ज़्यादा अच्छा। अच्छा ये जो लड़के कंपटीशन खेलना चाहते हैं अभी लाइक जब से आई एम ऑल्सो यूट्यूबर, मैं भी यूट्यूबिंग कर रहा हूँ और ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को आगे लेके आए हैं और एक बड़ा सा क्रेज सा चढ़ गया है कि अबाउट कंपटीशन, मिस्टर इंडिया, जेराई कंपटीशन, ये जो दुनिया भर के हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि लड़कों को कंपटीशन से आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी? मिलेगी, मिल रही है, पहले इतना स्कोप नहीं था मगर आज की डेट में ये फिटनेस इंडस्ट्री जो है इतनी ग्रो कर रही है बहुत और उसमें अच्छा खासा पैसा भी है, मगर कैसे आपको सौंपना पड़ेगा। आपने सोचा कि मैं 1 महीना 2 महीने या साल या 6 महीने जिम करूं और मुझे ग्रोथ आने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने भी अपनी लाइफ के कम से कम नहीं तो 11-12 साल दिए तब जाके ग्रो किया मैंने, ऐसा नहीं है। तो आप करो और अब तो पहले तो इतना होता भी नहीं था, अब तो इतना अच्छा है, इसके अंदर स्कोप है, आप करो। आज जगह जगह आपके कोर्स होते हैं, इसके अंदर आप डिग्री ले सकते हैं, इसके अंदर सेटिस्फाइड ट्रेनर बने बढ़िया तरीके से और अपना जॉब करें। आप BPO में जाते हैं वहाँ क्या मिलता है आपको, 12-13 ऊपर से, अगर दिल्ली में रहने वाला है तो गुड़गांव आ जाएगा, 2-3 घंटे उसने वहाँ वेस्ट किया अपना, वहाँ करता है तो दिल्ली आएगा, उसने 2-3 घंटे में वहाँ वेस्ट किया। मगर एज ए ट्रेनर सुबह 4 घंटे जाओ, शाम को 4 घंटे और राजा वाली लाइफ जियो जो कि मैं जी रहा हूँ। मार्क माय वर्ड्स, आपकी नज़र में जो भी ट्रेनर हैं एक बार इनका नाम जरूर ले, मैं आपको जिम के नाम नहीं बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे ब्रांड जिम है जहां पे सर जाते हैं ट्रेनिंग के लिए तो वहां पे फीस नहीं लगती, ये मैंने लोगों से सुना है। सर ये सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। मैं तो कभी भी ऐसे दिल्ली से अगर मुझे बाहर जाना होता तो मुझे फेसबुक पर हल्का सा एक पोस्ट शेयर करना होता है कि भाई मैं जा रहा हूँ, कोई आसपास जिम हो तो मुझे बता दो, तो बहुत से मैसेज आते हैं, कॉल्स आती है कि सर मोस्ट वेलकम, आप मेरे जिम में एक बार आ जाओ बस। इंद्रपुरम का एक बहुत वर्ल्ड क्लास फेमस जिम है, मुझे स्पॉन्सर किया था उसमें। अच्छा। तो मैं किसी भी जिम में जाकर के उस जिम की चेन में किसी भी जगह जाकर के ऑल इंडिया या इंटरनेशनल कहीं भी जाकर मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। अच्छा इन 10 सालों में आपने जिम लाइन में कितना बदलाव देखा? तो बहुत एडवांस हो गया जिम, अब जिम नहीं लगता वो शोरूम लगता है एक्चुअल में। हमने तो उस वक्त ट्रेनिंग की है और ऐसे जिमों में की है जहाँ खुद को मतलब घुसते एक फील आता था। आज हमारे पास ही, मैंने भी खुद अपना जिम ऐसे ही बनाया हुआ है और जो मेरा मेंबर्स आते हैं वो और भी इसमें करेक्शन करते हैं कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा करो, ये ऐसा नहीं वैसा करो, और ऐसा वैसा करके सिर्फ उसको यहाँ बैठ के सिर्फ एक कप चाय पीनी है, वेट ट्रेनिंग नहीं करनी। तो ये बदलाव आया, पहले तो एकदम हार्डकोर जिम होते थे, घुसते एक फील आता था कि हाँ यार यहाँ कुछ होगा। मैं यही कहूंगा कि यार जिम पे मत जाओ, मैं तो कहूंगा सिर्फ ट्रेनर, मेन ट्रेनर है भाई, ट्रेनर आपका अच्छा है वही तराशेगा, वही बनाएगा आपको, और कुछ नहीं, जिम तो कुछ नहीं है। अच्छे अच्छे जिम भी हैं, मैं तो ऐसे ऐसे जिम में भी जानता हूँ मगर वहाँ कोई नेशनल प्लेयर नहीं है, कोई वहाँ फिटनेस मॉडल नहीं मिलेगा आपको, फिटनेस मॉडल एज ए बॉडी बिल्डर मिलेंगे आपको हार्डकोर जिम में। अच्छा ये बताइए, अब जितने लड़के एज अ ट्रेनर बनना चाहते हैं, इस लाइन में जितने लड़के आना चाहते हैं एज अ ट्रेनर, तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस है? एडवाइस यही है कि अब काफ़ी सारे कोर्सेज होने लगे, रिबॉक भी कराता है आपका, के 11 है, गोल्ड जिम है, मगर एक बार मैं फिर बोलूँगा, एक बार प्रेम भाई मैं फिर बोलूँगा, बिना प्रैक्टिकल के कुछ नहीं है, आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। आप CA कर लीजिए, आप लॉ कर लीजिए, MBBS कर लीजिए, ये डिग्री लेकर के नहीं बन जाते डॉक्टर या वकील, इनको प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है किसी सीनियर के अंडर, कम से कम 2-3 साल देने पड़ते हैं तब जाकर के प्रोफेशनल कहलाते हैं। तो ऐसी फिटनेस इंडस्ट्री में अगर आपको ग्रो करना है
कोर्स कीजिए मगर प्रैक्टिकल भी कीजिए, किसी सीनियर के अंदर ट्रेनिंग कीजिए, एडवाइस लीजिए, जो कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बहुत से सीक्रेट्स होते हैं जो गूगल पे या किसी बुक्स में नहीं मिलते हैं। अगर आप सपोज प्रेम भाई मुझसे ही पूछते हो कि संदीप भाई बॉडी कैसे बनेगी, तो मैं किसी और का नहीं कि आर्नोल्ड ने ऐसे बनाई थी, मैं अपना प्रैक्टिकल जो मैंने खुद किया वो शेयर करूंगा आपसे कि प्रेम भाई मैंने ऐसे किया था, इतने इतने सेट लिए थे, इतने इतने लैब लिए थे, ये खाया था, इससे मुझे ये इम्प्रूवमेंट आया, तब जाके मजा आएगा। अब बुक पढ़ लीजिए, हाँ चार अंडे खाने, पांच अंडे खाने, अरे यार गूगल देख के तुम जरा राजमा चावल नहीं बना सकते, बॉडी कहाँ से बना लोगे बताओ जरा। अच्छा इन एक वर्ड में बोलना चाहूंगा कि बहुत शॉर्ट वर्ड में कि जूसफ जो वर्ड है जो कॉम्पिटिशन नहीं खेल रहा उसको यूज करना चाहिए या नहीं करना? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चौराहे में घर खड़े होने के लिए जूसफ लोगे तो मेरी समझ से बाहर है, ये चीज नहीं यूज करना चाहिए। तो व्यूअर्स, एप्स के लिए पागलपन होना ठीक नहीं है। स्ट्रेंथ वर्कआउट कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। अगर आपको कॉम्पिटिशन नहीं खेलना है तो एटलीस्ट जूसफ जैसी चीजों से बचिए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन संदीप सर, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए, संदीप मोहन जी का अब 2017 में क्या क्या टारगेट्स हैं जो वो कर रहे हैं? टारगेट मेरा अप्रैल में है, एक तो इंटरनेशनल चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एक वो टारगेट है, और उससे पहले मार्च में है नेशनल चैंपियनशिप है। फिलहाल अभी ये दो चीजें हैं। चलिए, आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको काफी कुछ सीखने को इनसे मिला होगा। टेक द ऑल द पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम हिम। Till then, love you, stay fit, rule the eye, Jai Hind.